इसलिए मैंने क्वेश्चन नहीं लिखे। ये चीज क्यों आती है बार बार मेरे सामने? मैम आपने क्वेश्चन नहीं भेजे इसलिए। बेटा आपको स्पून फीडिंग करने की आदत है? हाँ आप लोग सिक्स स्टैंडर्ड में सिक्स क्लास में आप लोगों को अभी भी स्पून फीडिंग करनी है? बिल्कुल पका पकाया माल चाहिए आप लोगों को? नहीं ना, आप लोग जब तक खुद ट्राई नहीं करोगे कुछ करने का, आप लोग आगे कर पाओगे? जैसी आपकी हैबिट इस टाइम है वैसी हैबिट आपकी सेवेंथ क्लास में होगी, और ऐसी हैबिट आपकी अगर सेवेंथ में भी एज इट इज चलते रहे तो ऐसे ही आप एट्थ में रहोगे। कब तक हम आपको बच्चा बच्चा समझ के करवाएंगे? यू आर नॉट इन अ फोर्थ स्टैंडर्ड और थर्ड स्टैंडर्ड। बेटा थर्ड फोर्थ के बच्चे होते हैं ना, उनको देते हैं कि ऊपर क्वेश्चन दे दिया नीचे आंसर लिखा। जबकि वीडियो में जब मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ तब मैं आप लोगों को डायरेक्ट बताती हूँ कि बेटा ये देखो ये है क्वेश्चन, ये है, मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ साथ में और फिर आंसर रीड कर रही हूँ, तो इतना तो थोड़ा बहुत बच्चों आपको खुद को करना चाहिए ना। फिर आप लोगों ने, और हाँ एक चैप्टर में मैंने ज्योग्राफी का चैप्टर थर्ड था आई थिंक, सिर्फ उस पर मैंने आप लोगों को क्वेश्चन भी लिखा था और आंसर भी लिखा था, सिर्फ इसीलिए क्योंकि मुझे बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे। लेकिन उसके बाद मैंने सोचा मैं नहीं लिख के दूंगी आप लोगों को क्वेश्चंस, क्योंकि हैबिट खराब होती है और जब तक आप लोग ट्राई नहीं करोगे तब तक नहीं होगा। बहुत सारे बच्चों ने ट्राई किया विद क्वेश्चंस, बुक में से क्वेश्चन देखे और आंसर जो मैंने पीडीएफ भेजी है आपने उसमें से आंसर देखे, तो बहुत सारे बच्चों अब आप लोगों को हैबिट हो रही है ना बुक से क्वेश्चन लिख के और मैम जो आंसर कराती है वो करवा के। यस मैम, यस मैम। तो ये चीज अच्छी है, बेनिफिशियल है या नहीं है आप लोगों के लिए, ये बताओ आप। है ना, आप लोग जब अभी से स्टार्ट करोगे ये सारी चीजें तभी तो जाके आप लोग आगे करोगे। अब मैं आप लोगों को बार बार बोलती हूँ बेटा एक्सरसाइज खुद फाइंड आउट करा करो, इन बिटवीन क्वेश्चंस फाइंड आउट करा करो, वर्ड मीनिंग खुद देखा करो। पता है क्यों? एक तो ये चीज होती है, मैं आप लोगों को जब चैप्टर रीड कराती हूँ तो बीच बीच में मैं आपको बता देती हूँ बेटा इसका आंसर ये है, इस वर्ड का मीनिंग ये है, अंडरलाइन करो ऊपर लिख लो, है ना। तो बेटा ये चीज बहुत अच्छी है ताकि पता है इन फ्यूचर आप लोगों के साथ क्या हो जब हम स्कूल में पढ़ाएं। आपके हाथ में एक पेंसिल होना चाहिए, बुक होनी चाहिए, और जो जो मैं बोलती जा रही हूँ जिसका मीनिंग मैं बोल रही हूँ कि बेटा इसका मीनिंग ये होता है, तो आप लोग क्या करोगे पता है? मैं बोलूं चाहे ना बोलूं कि अंडरलाइन करके उसके ऊपर लिखो, आप लोग खुद लिखोगे, अंडरलाइन किया और ऊपर खुद लिखा, ठीक है। ये एक हैबिट हो जाएगी आप लोगों के लिए और आप लोगों के लिए बेनिफिट होगा इस चीज को आगे जाके, समझ आ रही है? मुझे जो भी अपना होमवर्क सेंड करेगा, जो भी अपना होमवर्क मुझे भेजेगा, बेटा पहले बता रही हूँ आज लास्ट टाइम है आप लोगों को बताने का, ठीक है, कि विद क्वेश्चंस भेजोगे। जब मैं आप लोगों को विद क्वेश्चंस रीड करा रही हूँ ना, ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चंस भेजोगे और आंसर क्वेश्चन लिखोगे, आंसर लिखोगे। मुझे नहीं पता आपको कैसे करना है लेकिन आपको करना है ताकि आप लोग प्रिपेयर हो अपने फ्यूचर के लिए, ठीक है। समझ आई बेटा सबको? हाँ जी ठीक है बेटा। कल हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे हमारे, ठीक है, जो हमारे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस थे वो हम कर चुके हैं। आज हमें लॉन्ग क्वेश्चंस करने हैं, जो हमें चार लॉन्ग क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो हम करेंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ हमें क्या करना था कि कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे वो करने हैं ना। हाँ जी, पीडीएफ शो हो गया सबको? बोलिए बेटा। हाँ जी, वेरी गुड। देखिए बेटा आपका जो फिफ्थ क्वेश्चन है ऑन पेज नंबर C32, क्वेश्चन इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। आप इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है हाउ डिड द इंस्टीट्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी कॉज इनइक्वालिटी इन इंडियन सोसाइटी। मतलब कि बेटा ये जो हमारा अनटचेबिलिटी है, ठीक है, जो छुआछूत जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, अब जैसे मैं मीनिंग बोल रही हूँ ना, अब आपको जहाँ मीनिंग में प्रॉब्लम आता है आप अपने आप लिखेंगे, ठीक है, नहीं समझ में आता तो मुझसे पूछेंगे, ठीक है। ये जो अनटचेबिलिटी है जिसको हिंदी में बोलते हैं छुआछूत, तो ये किस तरीके से हमारे जो सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी है, उसमें इनइक्वालिटी को बनाता है, इनइक्वालिटी को जन्म देता है, ठीक है। तो आंसर देखिए आप लोग, द इंस्टीट्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी
caused inequality in Indian society. मतलब कि बेटा ये जो अनटचेबिलिटी होती है ना, ये इंडियन सोसाइटी में इनइक्वालिटी मतलब कि असमानता पैदा करती है. देखो, पीपल ऑफ अपर कास्ट मतलब कि वो लोग जो अपने आप को अपर कास्ट के समझते हैं, अपर कास्ट मतलब ऊंची जाति के समझते हैं, वुड नॉट इवन टच दोज मतलब कि वो उन लोगों को टच भी नहीं करते हु बिलोंग्ड टू द लोएस्ट कास्ट. मतलब कि उन लोगों से जो बिलोंग करते हैं किसे, लोअर कास्ट से. मीनिंग अनटचेबिलिटी होती है वो कैसे शो होती है, हमें कैसे दिखती है, वो ऐसे दिखती है बेटा जो कुछ लोग होते हैं वो अपने आप को अपर कास्ट के समझते हैं, वो लोग टच करना भी पसंद नहीं करते उन लोगों को जो जिनको वो लोअर कास्ट के समझते हैं. समझ आ गया? नाउ इन हिंदी मीडियम. हाँ जी, अब हिंदी मीडियम में देखो, हिंदी मीडियम का क्वेश्चन है, छुआछूत के कारण भारतीय समाज में ये जो छुआछूत है वो घर कैसे कर गई. घर का मीनिंग है बेटा यहाँ पे कि जो एक होता है ना मन में बैठा लेने वाली बात, कि वो सबकी थिंकिंग भी हो गई है, बार 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 वो सारी चीजें आ रही है. तो वो देखो, छुआछूत के कारण भारतीय समाज में घोर असमानताएं घर कर गई है. घोर मतलब बहुत गंदी वाली असमानता, बहुत ज्यादा वाली, जिससे ऊंची जाति के लोग निचली जाति के लोगों को छूने से भी परहेज करते हैं. ठीक है, परहेज मतलब वो दूर रहते हैं, वो पसंद नहीं करते. ठीक है, नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज, हाउ डू वुमेन्स कंटिन्यू टू बी नेग्लेक्टेड इन इंडियन सोसाइटी इवन नाउ. मतलब कि हम अभी तक देख रहे हैं, क्वेश्चन है हमारा कि हम अभी तक ये चीजें देख पा रहे हैं आज भी, कि भारतीय समाज जो हमारा इंडियन सोसाइटी है उसमें जो वुमेन्स है, वुमेन है मतलब महिलाएं हैं, उन पर पूरा ध्यान नहीं दिया जाता. हाँ जी बेटा, बेटा आवाज नहीं आ रही आपकी. हाँ जी बेटा बोलो, क्या बोल रहे हो बेटा, आवाज नहीं आ रहा. हाँ जी मैम, ये जो क्वेश्चन है मैम, उसको छोड़ के मैं हाँ जी करवाए थे, और उसके पीडीएफ परसों सेंड करी थी मैंने, ऑन फ्राइडे नहीं, सॉरी थर्सडे. हाँ जी ठीक है, अब सुनो मेरी बात. क्वेश्चन सेकंड समझ आया? अब बेटा आप लोगों को अगर थोड़ा सा ध्यान हो, याद हो, हमने बेटा बाद में बात करेंगे. निखिल थोड़ा सा रुक जाओ बेटा, वरना पता है टाइम हो जाता है और हमारे क्वेश्चंस रह जाते हैं, आप लोगों को पता है इस चीज का. थोड़ा सा मैं आपको बाद में बात करूंगी, पक्का प्रॉमिस. ठीक है, जो आप लोगों ने चैप्टर रीड करते टाइम बेटा ये ध्यान दिया था कि जो वुमेन्स हैं वो, या जो गर्ल चाइल्ड है, उनको प्रॉपर प्यार नहीं मिल पाता, केयर नहीं मिल पाती. ठीक है, उनको प्रॉपर डाइट भी नहीं मिल पाती घर में, है ना. और कई बार आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि बेबी गर्ल होती है, उसका चेकअप करा लेते हैं कि हाँ गर्ल, बेबी गर्ल होने वाली है, तो उसको बर्थ होने से पहले ही मार देते हैं, है ना. ये चीजें हमने पढ़ी भी थी और आप लोगों से डिस्कस भी करी थी. तो ये वही क्वेश्चन है. देखो, वुमन कंटिन्यू टू बी नेग्लेक्टेड इन इंडियन सोसाइटी इवन नाउ. मतलब कि बेटा अभी तक उनको नकारा जाता है, उनको पीछे रखा जाता है, वुमेन को, महिलाओं को. फीमेल बेबीज आर जनरली अनवेलकम इन इंडिया. वही चीज है कि फीमेल बेबीज मतलब कि जो लड़कियां होती है, जो जन्म लेने वाली होती है, छोटी बेबी होती है, उनका अनवेलकम किया जाता है, मतलब कि उनको लाने ही नहीं देते इस संसार में. इन मोस्ट फैमिलीज द गर्ल चाइल्ड डज नॉट गेट द सेम अटेंशन एज अ बॉय. वही चीज कि बहुत सारी फैमिलीज ऐसी है जहाँ गर्ल चाइल्ड को उतना सेम अटेंशन मतलब कि जितना लड़कों को दिया जाता है, उतना लड़कियों को नहीं दिया जाता. इन मैटर ऑफ डाइट मतलब कि इसमें खाने पीने के मामले में, एंड हेल्थ केयर मतलब कि हमारे स्वास्थ्य. ठीक है, नाउ इन हिंदी मीडियम क्वेश्चन है कि भारत, क्वेश्चन है आपका, भारतीय समाज में आज भी किस प्रकार महिलाओं पर पूरा ध्यान नहीं दिया जाता. आंसर है, भारत में बेटियों और महिलाओं पर पूरा ध्यान नहीं दिया जा रहा है. भारत में बेटियों के जन्म को आम तौर पर पसंद नहीं किया जाता. अधिकांश परिवारों में लड़कियों के पालन पोषण और उसके स्वास्थ्य पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता जितना कि लड़कों के पालन पोषण और उनके देखभाल पर किया जाता है.
ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ बेटा। व्हाट मेजर्स हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। मतलब कि बेटा मैंने आप लोगों को जो हमारी शेड्यूल ट्राइब्स होती है उसका मीनिंग बताया था कि ये होती है बेटा जनजाति, इनका मीनिंग होता है जनजाति। शेड्यूल का मीनिंग मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है, मतलब कि पिछड़ी जनजाति, ठीक है। क्वेश्चन का मीनिंग है कि जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है, मतलब भारत की जो सरकार है, उन्होंने जो ये शेड्यूल कास्ट होती है, मतलब कि जो पिछड़ी जाति के लोग होते हैं, या फिर शेड्यूल ट्राइब्स, मतलब कि जो अनुसूचित जनजाति के लोग होते हैं बेटा, जाति जनजाति इनके लोग होते हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए, ताकि उनको उनके राइट्स मिल सके, ठीक है, वो भी प्रॉपर वे से अपनी लाइफ स्पेंड कर सके, जिस तरीके से हम कर रहे हैं ना, उस तरीके से वो लोग भी अपने लाइफ स्पेंड कर सके, उनके लिए क्या क्या स्टेप्स उठाए हैं या उनके लिए क्या क्या प्लानिंग्स की हैं। देखो, मैनी मेजर्स हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। मतलब बहुत सारे ऐसे उपाय, मेजर्स मतलब बहुत सारे ऐसे उपाय लगा लीजिए, प्लानिंग लगा लीजिए कि गवर्नमेंट करती है, जिससे इंडियन इंडिया में करती है, जिससे जो शेड्यूल कास्ट है और जो शेड्यूल ट्राइब्स है ना, मतलब कि अनुसूचित जनजाति और जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उन लोगों का वेलफेयर, मतलब कि उन लोगों को आगे बढ़ाया जा सके, उनको ध्यान रखा जा सके। फॉर एग्जाम्पल, इन अवर ऑल पीपल आर ट्रीटेड इक्वली, मतलब कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, आप लोगों को बेटा मैंने ये बात बताई थी ना कि हमारे रूल्स, हमारे लॉज, हमारे राइट्स सारे कहाँ लिखे हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूट में, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारी गवर्नमेंट काम करती है या हमारा देश जिस तरीके से भी चलाया जाता है ना बेटा, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन कौन देता है, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो बेटा ये जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे संविधान है, उसकी नज़र से सारे के सारे हमारे इंडियन सिटीजन उसमें सब आ गए, सारे रिलीजियन आ गए, सारी कास्ट आ गई, सब लोग, ठीक है। उसमें हमारे पीएम आ गए, मतलब प्राइम मिनिस्टर, हमारे जो सीएम हो गए वो आ गए, हमारे प्रेसिडेंट हो गए, हमारे सारे एमएलए जितने भी बड़े बड़े लोग हैं वो भी आ गए, वो सभी इक्वल हैं, ठीक है। ये है कि बेटा अगर प्राइम मिनिस्टर कोई गलत काम करते हैं तो उनको भी सजा मिलेगी, उनको भी पनिश किया जाएगा, ऐसी बात नहीं है कि वो प्राइम मिनिस्टर है तो उनको छोड़ दिया जाएगा, नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि जो ये रूल्स होते हैं या जो फिर ये पनिशमेंट्स होती है वो कॉमन पर्सन के लिए बनी होती है, नहीं, ये बेटा उन सभी के लिए बनी है जिन्होंने गलत काम किया है, ठीक है। हाँ जी बेटा, आवाज नहीं आ रही आपकी, क्या हुआ, आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा, बेटा समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं। आप ये बताइए, आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना जो मैं रीड करवा रही हूँ, या आपको दिख रहा है ना अच्छे से, पहले ये बताओ, आप बताइए, आप सभी बताइए, जो मैं समझा रही हूँ वो समझ आ रहा है और आपको क्वेश्चन अच्छे से दिख रहे हैं ना। हाँ जी, तो पहले हम सिर्फ क्वेश्चन की बात करेंगे बस, ठीक है। हाँ जी, म्यूट कर लीजिए। नाउ द सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड पॉइंट इज People are given reservation. बेटा reservation का meaning होता है, reserve क्या होता है, जैसे आप लोग बाहर जाते हैं, travel करते हैं, तो पहले अपना reservation कराते हैं ना, चाहे वो train का हो, चाहे वो आपको tickets लेनी होती है ना, ताकि आप लोगों की seat save हो जाए, है ना, कि उस seat पे सिर्फ हम ही बैठेंगे उस दिन, आप, ताकि आपके साथ कोई प्रॉब्लम ना हो, आके कोई ये ना कहे ये हमारी सीट आप उठ जाइए प्लीज, आपके पास प्रूफ भी रहेगा, देखो ये हमारे पास प्रूफ है, हमने अपने पैसे से हमारी टिकट रिजर्व कराई थी, है ना, ये वो वाली, रिजर्व का मतलब समझ गए ना, सेव करना। बेटा रिजर्वेशन को हिंदी में बोलते हैं आरक्षण, ठीक है। ए आ मतलब आम वाला आ, रे क्षण, आरक्षण, ठीक है। आरक्षण का मीनिंग होता है सेव करके रखना, ठीक है, जैसे हम लोग रिजर्वेशन कराते हैं कहीं जाते हैं तो वो वाला, ठीक है। देखो, पीपल आर गिवन रिजर्वेशन इन द एजुकेशन फील्ड एंड इन द गवर्नमेंट जॉब्स। मतलब कि बेटा कि वो लोग
जॉब्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट, मतलब कि बेटा कास्ट के अकॉर्डिंग लोगों को जो एजुकेशन में और जॉब में, गवर्नमेंट जॉब में बेटा रिजर्वेशन दिया गया है, मतलब कि उनको कुछ छूट दी जाती है, ठीक है। कैसे, मतलब कि उनको उनकी जो सीट्स होती है ना ऐसे सेव की जाती है, जैसे आप लोगों ने बहुत लोगों से सुना है, अगर आपके घर में बड़े लोग हैं या आपके फादर मदर या आपके ब्रदर वगैरह कोई होते हैं वो गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो कभी आपने उनसे सुना होगा कि हमारे कास्ट में इतनी सीट्स निकली है उस जॉब के लिए, है ना। वो बोलते होंगे जैसे कि 50 सीट्स है, 50 सीट्स पे इस कास्ट के लोग आएंगे बस। तो बेटा वो होता है कास्ट के अकॉर्डिंग रिजर्व करना। समझ आ गई आप सभी को? बोलिए। यस मैम। हाँ जी, वेरी गुड। अब हिंदी मीडियम में समझिए कि भारत सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अल्पसंख्यकों को समाज में जो कमजोर वर्ग के लोग होते हैं उनको बढ़ावा देने के लिए क्या क्या कार्य किया। देखिए, संविधान में सभी भारतीय नागरिकों को समान रखा गया है, वही चीज बार बार रिपीट हो रही है। नेक्स्ट, जाति के आधार पर नागरिकों को शिक्षा व नौकरी में आरक्षण दिया जाता है, मतलब कि उनके लिए कुछ छूट दी जाती है प्लस उनके लिए सेव की जाती है चीजें, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन में रीड कर रही हूँ बेटा, ये हमारी बुक की एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। What is the significance of the right to equality and the right to freedom of religion that the constitution gave to the citizen of India? मतलब कि बेटा जो हमारे भारतीय संविधान है, मतलब कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें जो ये हमारा राइट टू इक्वालिटी मतलब कि समानता का अधिकार एंड राइट टू फ्रीडम इन रिलीजियन मतलब कि धर्म के आधार पर जो स्वतंत्रता होती है वो क्या होती है, उसके महत्व क्या होते हैं। देखो, राइट टू इक्वालिटी, पहले तो हम राइट टू इक्वालिटी के बारे में पढ़ेंगे क्या होता है। द राइट टू इक्वालिटी गारंटीज इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड प्रोहिबिट्स एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट, रेस, रिलीजियन और सेक्स। मीनिंग है कि बेटा ये जो राइट टू इक्वालिटी है, मतलब कि समानता का अधिकार है, वो गारंटी देता है हर एक लोगों को। किस चीज की गारंटी देता है? कि आप सभी इक्वल हैं बिफोर लॉ, मतलब कि कानून के नजरिए से आपके साथ कोई असमानता नहीं हो सकती, ठीक है। किस चीज को लेकर? ना ही तो कास्ट को लेकर होगी, और रेस मतलब ना ही वर्ग को लेकर होगी, रिलीजियन मतलब धर्म को लेकर भी नहीं होगी, और सेक्स मतलब कि लिंग को लेकर, जैसे कि होता है लड़का और लड़की। अब देखिए आप, इसका सेकंड पार्ट है बेटा ये, जो हमारा आंसर फोर्थ है उसका सेकंड पार्ट है ये, ठीक है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, जैसे अभी हमने देखा था कि उसमें राइट टू इक्वालिटी और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन के बारे में मांगा हुआ है, तो ये पॉइंट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। देखिए, द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन स्टेट्स दैट ऑल सिटीजन आर फ्री टू प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट देयर रिलीजियन। प्रोपेगेट का मीनिंग होता है बेटा प्रचार करना, ठीक है। प्रैक्टिस का मीनिंग होता है हम उसको मान सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये चीज है बेटा कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें ये बात कहता है कि आप कोई सा भी धर्म मान सकते हो आपकी इच्छा के अनुसार, आप फ्री हो, आपको फ्रीडम दी हुई है, हमने स्वतंत्रता दी गई है कि आप कोई सा भी धर्म मान सकते हो अपनी इच्छा के अनुसार, ठीक है। लेकिन आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि आप मेरा मानो, मेरा मानो, मेरा मानो, नहीं। आप अपनी फ्रीडम के अकॉर्डिंग, अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग आप कोई सा भी धर्म मान सकते हो, ठीक है। आप देखिए बेटा फोर्थ हिंदी मीडियम में कि समानता और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या है। देखो, यह कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है और जाति, धर्म, वर्ण या लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार से भेदभाव को नकारता है, मतलब कि किसी भी आधार पर कोई भेदभाव हो ही नहीं सकता, ठीक है। सेकंड है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये क्या कहता है। देखो, यह अधिकार सभी नागरिकों को अपने धर्म का पालन करना और उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता देता है। यही क्वेश्चन मैं आपको बार बार समझा रही हूँ। अब बेटा देखो, आपके जो ये चैप्टर है इसकी एक्सरसाइजेस कंप्लीट हो चुकी है। आपके क्वेश्चंस लॉन्ग क्वेश्चन, शो वेरी शॉर्ट, आपकी टिक द करेक्ट, मैचअप,
ट्रू फॉल्स कंप्लीट हो चुके हैं बेटा, आपके जो चैप्टर है उसमें 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बने हैं, ठीक है, जो सफिशियंट है 3। इस पूरे चैप्टर को मैंने दोबारा रीड किया, फिर आपके लिए क्वेश्चंस निकाले, तो उसमें 3 ही बने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कलेक्टिव डिसीजन? कलेक्शन का मीनिंग क्या होता है? जैसे हम किसी भी चीज का कलेक्शन करते हैं, जैसे किसी के पास कॉइन्स का कलेक्शन होता है, किसी के पास बहुत सारी ड्रेसेस का कलेक्शन होता है, कोई शू का कलेक्शन होता है, तो उसको हिंदी में क्या बोलेंगे? देखो हमारे पास कितने सारे शूज है, ढेर सारे शूज है, ऐसे ही बोलते हैं ना आप लोग, इतने सारे शूज मेरे पास। तो वो होता है बेटा, अब यहाँ पे आ रही है कलेक्टिव डिसीजन का मतलब होता है ढेर सारे डिसीजन इकट्ठे किए हुए, ढेर सारे डिसीजन। अब उसका मीनिंग देखो, कलेक्टिव डिसीजन इन्वॉल्व्स पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव। पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है पीपल का मतलब जनता, पीपल्स मतलब जनता के द्वारा, और रिप्रेजेंटेटिव मतलब उम्मीदवार, मतलब कि जिनको जनता वोट देके, आप अपने 18 इयर्स के होगे जब आप अपना वोट डालोगे ना जिसको, ठीक है, तो वो आपका रिप्रेजेंटेटिव होगा, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव्स इन द फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट, मतलब कि बेटा कि जो कलेक्टिव डिसीजन का मीनिंग होता है, जिन लोगों को हमने चुना है उनके अपने अपने व्यूज भी आते हैं किसमें, गवर्नमेंट के फंक्शंस में, मतलब उनके कामों में। ये वो वाला फंक्शन नहीं है, आप लोग समझ रहे हो कहीं कि खाने पार्टी वाला शादी वाला फंक्शन, नहीं, इसका मीनिंग है काम में, ठीक है। फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट मतलब फंक्शन से मीनिंग आ रहा है काम में, ठीक है, गवर्नमेंट के काम में। कहीं आप लोग सोचो गवर्नमेंट पार्टी कर रही हो। हिंदी मीडियम में फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामूहिक निर्णय का अर्थ बताइए। सामूहिक निर्णय का तात्पर्य है सरकार को चलाने में जनता के सभी प्रतिनिधि का शामिल होना, मतलब कि जितने भी प्रतिनिधि हैं, जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो सब मिलकर काम करेंगे, ठीक है। मिलकर काम करेंगे तो हम क्या करेंगे, अ ग्रुप ऑफ मेंबर्स, है ना, कितने सारे लोगों का है, तो वो क्या हो जाएगा, वो एक कलेक्शन हो जाएगा, वो एक हम बोलेंगे अरे इनका तो ग्रुप है, इनका तो कलेक्शन है बहुत सारा, है ना, वो वाली चीज। सेकंड क्वेश्चन, डिस्क्राइब द रोल ऑफ अपोजिशन इन अ डेमोक्रेसी, मतलब कि जो अपोजिशन होती है, ठीक है, वो जो डेमोक्रेसी हमारा लोकतंत्र है उसमें अपोजिशन का क्या रोल है। मैंने आप लोगों को बताया था बेटा कि अपोजिशन का बहुत बड़ा रोल होता है, हाँ, आप लोग अपनी नॉर्मल लाइफ में भी देख सकते हो। मीनिंग देखो, अपोजिशन सर्व्स एज अ चेक अपॉन द गवर्नमेंट। बेटा ये जो चेक है ना, इसका मीनिंग होता है अंकुश लगाना, मतलब रोक लगाना, मतलब गवर्नमेंट अपनी मनमर्जी ना कर सके, ठीक है। चेक का मीनिंग हो गया, जैसे अगर हम यहाँ पे अपोजिशन का कोई काम नहीं होता तो गवर्नमेंट क्या करती, वो अपनी मनमर्जी करती, फिर वो डेमोक्रेसी नहीं होती, वो क्या होती, वो डिक्टेटरशिप या फिर मोनार्की हो जाती, जिसमें हमने पढ़ा था कि मोनार्की और डिक्टेटरशिप में एक क्वीन और एक किंग होता है जो अपनी मर्जी चलाता है और लोगों को परेशान करता है। यही पढ़ा था ना हमने थर्ड चैप्टर में, मोनार्की और उसके बारे में, डिक्टेटरशिप के बारे में, ठीक है। बट डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी का मीनिंग होता है बेटा, डेमोक्रेसी में कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को उसके पावर्स दिए गए हैं लेकिन लिमिट में दिए गए हैं, वो अपनी मनमर्जी नहीं कर सकता, वो अपने ज्यादा पैर या अपने अपने मर्जी के अकॉर्डिंग लोगों को परेशान नहीं कर सकते। हिंदी मीडियम में देखो बेटा, लास्ट क्वेश्चन है, सॉरी वो 3 क्वेश्चन नहीं थे, 2 क्वेश्चन ही बने थे। देखिए, विरोधी दल की भूमिका स्पष्ट करें। विरोधी दल सरकार की मनमानी पर अंकुश लगाने का काम करती है। बेटा अगर किसी को अंकुश का मीनिंग नहीं समझ आ रहा हो, तो अंकुश का मीनिंग होता है रोक लगाना, ठीक है, जिसको हमने इंग्लिश में पढ़ा था चेक, तो बेटा अंकुश होता है रोक लगाना। अगर किसी को अंकुश वर्ड से प्रॉब्लम हो तो यहाँ पर वो रोक भी लिख सकते हैं, ठीक है, रे ओ क रोक, ठीक है। रोक लगाने का मीनिंग समझ आ गया होगा कि लोगों अगर वो कोई अपनी मनमर्जी करते हैं, लोगों के अगेंस्ट जाके काम करते हैं, लोगों की फेवर में काम नहीं करते, अपनी अपनी जेब भरने पे लगे रहते हैं, तो वो उनके अगेंस्ट क्या करेंगे, उनको रोक लगाएंगे। अगर वो गलत काम करेंगे तो उनको रूल्स के अकॉर्डिंग उनको पनिशमेंट भी दी जाएगी। तो बेटा आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, समझ आ गए सबको क्वेश्चंस? Yes, ma'am. अच्छे से समझ आया ना सबको बेटा? हाँ जी, yes, आप मुझे yes,
हाँ जी, अब मुझे बताइए किसको क्या प्रॉब्लम थी, अब बोलो वन बाय वन। हैप्पी पहले आप बताइए, कोई प्रॉब्लम है आपको? हैप्पी बेटा, अगर प्रॉब्लम नहीं है तो अपना म्यूट कर लीजिए। आप अपना हैप्पी है, कौन है? दिव्या, हैप्पी एंड दिव्या लिखा हुआ है उन्होंने। अगर बेटा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप अपना म्यूट कर लीजिए। बेटा ये वंशिका, वंशिका एंड अंतिमा कौन है? वंशिका, हेयर इज वंशिका और अंतिमा। बेटा मैंने आप लोगों को बहुत मना किया, और निखिल, निखिल आप, हाँ जी सुनिए मेरी बात, निखिल, वंशिका या अंतिमा जो भी है, वो सुशांत, दीपेश, पीयूष, निखिल, बेटा आज आप लोगों को मैं लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, अगर आप लोगों ने चैट में गुड मॉर्निंग भी नहीं लिखेंगे, आप लोग डायरेक्ट मुझे बोलेंगे गुड मॉर्निंग। हाँ जी बेटा बोलो। बेटा अगर आप अपना ध्यान मैसेजेस पे हटाकर, चैट पे से हटाकर क्लास में लगाओगे ना, तो आपको अच्छे से समझ आएगा। बेटा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप सुनिए मेरी बात, म्यूट करो सारे, म्यूट करो बेटा सारे, निखिल म्यूट करो, निखिल आप लोग एक साथ चार चार पांच पांच लोग अपना म्यूट ऑन कर लेते हैं, किसी की आवाज जन से सुनाई देगी नहीं ना, डिस्टरबेंस होगा ना, है ना? तो बेटा आप लोग वन बाय वन बोला करो। एंड लास्ट वार्निंग, लास्ट वार्निंग है, अगर मुझे मंडे से किसी की भी चैट में एक सिंगल मैसेज भी दिखा, और जिसका दिखेगा मैं उसका स्क्रीनशॉट लेके नेक्स्ट उसी टाइम क्लास खत्म होने के बाद उसका एनरोल कैंसिल कर दूंगी, ध्यान रखना। मैं किसी की सुन के आपको वापस एंट्री नहीं करवाऊंगी क्लास में। मैम हमें एक क्वेश्चन पूछना। हाँ जी बेटा पूछो, बताओ। सुनो, अभी उसको मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगी क्योंकि टाइम भी ऑलमोस्ट हो चुका है। आप ऐसा करना, आपको जो क्वेश्चन नहीं मिल रहा है मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, मैं वहाँ पे आपको पर्सनली सेंड कर दूंगी, ठीक है? ओके बेटा मुझे कुछ समझ नहीं आता, आप लोग एक टाइम पे चार चार पांच पांच लोग बोलते हो, मुझे नहीं समझ में आता। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पर्सनली बात कर लीजिए, ठीक है? लीव कर दीजिए बेटा, कोई भी प्रॉब्लम हो पर्सनली पूछ लीजिए, यहाँ नहीं समझ में आता, आप लोग मानते नहीं हो, लीव करिए क्लास। बाय। योगेश, निखिल, दीपेश, दिवांश, बेटा लीव करिए क्लास एज सुन एज पॉसिबल, बेटा मेरी क्लास है दोबारा, फटाफट करिए। निखिल लीव करिए क्लास, निखिल बाय मैम।
एंड